हे नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स ऐप्स की एक और कमाल की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता अनबॉक्स ऐप्स क्या है, सो गाइज यहाँ पे हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम करते हैं कुछ इनोवेटिव और ऑसम एप्लीकेशंस को अनबॉक्स, मींस उसके सारे फीचर्स को जो है एक एक करके इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइज हमारी आज की वीडियो में जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है PixBrush, जो कि दोस्तों अभी जिसके ज़्यादा डाउनलोड्स तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है आपकी फोटो एडिट करने के लिए। सो गाइज अगर आप उस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, एडिटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप किस प्रकार उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज आपको करना क्या, ओपन करना है प्ले स्टोर और फिर वहां पे आकर के आपको टाइप करना है PixBrush। सो गाइज PixBrush, आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आ गई। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, 1000 इसके डाउनलोड्स है बट रेटिंग्स 4.8 की है, जो कि 68 बंदों द्वारा दी गई है। और फिर यहाँ पे आप इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए, किस प्रकार की एप्लीकेशन है, किस प्रकार इसके फीचर्स है, किस प्रकार ये काम करती है। सो गाइस सिंपली आप कर लीजिए इसे इंस्टॉल, 33 MB की ऐप है। सो गाइस आपके सामने आएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। सो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग जो है फोटो क्लिक भी कर सकते हैं या फिर गैलरी से फोटो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस मैंने ब्यूटी मोड सेलेक्ट कर लिया और गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो गाइस पहला जो है रीटच का। सो गाइस आप यहाँ पे इसे रीटच कर सकते हैं, मतलब आप जो है अपने फ़ोन को रीटच करके एक बहुत ही कमाल का लुक दे सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर फ़र्क आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इसने आपके फेस को दे दी है ब्राइटनेस और फिर आपके बैकग्राउंड को भी जो है ब्राइट कर दिया है। सो गाइस स्मूथ की बात करें तो आप यहाँ पे अपने फेस को जो है स्मूथ भी कर सकते हैं बिल्कुल। और फिर गाइस यहाँ पे अगर आप ब्राइटनेस की बात करें तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है ब्राइट भी कर सकते हैं अपने फेस को या फिर लाइट कम भी कर सकते हैं। और गाइस और अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पे स्किन टोन को भी जो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आपको डार्क करना है या फिर फेयर करना है, ये सब सारी चीज़ें जो है आप अपने अकॉर्डिंग ईजिली कर पाएंगे। और गाइस दोस्तों यहाँ पे आप जो है अपने एक्नी को भी यहाँ से ईजिली जो है रिमूव कर सकते हैं ड्रैग करके, बस जहां भी एक्नी है वहां पे बस आपको ड्रैग करना है और आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और गाइस यहां पे अगर और बात करें तो गाइस आप यहां पे अपने टीथ को भी ब्राइट लुक दे सकते हैं, मींस उसे और भी वाइट कर सकते हैं और फिर और भी ऑसम सा लुक जो है अपने दांतों को दे सकते हैं, शाइन उसमें दे सकते हैं। और गाइस अगर आप बात करें यहां पे हेयर की, तो गाइस आप यहाँ पे जो अपने बालों को जो है कलर कर सकते हैं, वो भी किसी कलर में आपके साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कोई भी कलर जो है सेलेक्ट करके अपने बाल को कलर कर सकते हैं। और गाइस जो कि ये लगेगा बिल्कुल नेचुरल, और गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जैसे कि हमने बाहर से पेंट करा, ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है और इसे करना भी बहुत ईजी है। जहाँ पर आपसे गलती से आ गया तो आप यहाँ पर इरेज के बटन पर टैप करके आप यहाँ पर उसे इरेज भी कर सकते हैं। और गाइस पेंट के बटन पर टैप करके जो है आप यहाँ पर ईजिली उसे पेंट कर सकते हैं। और गाइज अगर आपका पेंट सही तरीके से हो गया हो तो आप इस टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा। गाइज और मैं बताऊँ, अगर आप यहाँ पे अपने लिप्स को देना चाहते हैं अमेजिंग लुक या फिर लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, तो गाइज आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर से उसमें लिपस्टिक भी लगा सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे हेयर, जो कि आप जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हेयर भी जो है इसमें लगा सकते हैं। और गाइस अगर और भी बात करें तो आपको यहाँ पे आइज़ मिल जाते हैं, आँखों को भी आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं अच्छे से। लाइक गाइस बहुत सी आँखें होती है ऐसी, जैसे कि जिसकी गाइस लेंस लगा करके नीली करवा लेते हैं, रेड करवा लेते हैं। तो गाइस इस तरह की एडिटिंग जो है बेसिक से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और एसेसरीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे गॉगल्स, सनग्लासेस, ये सारी चीज़ें जो है इजिली प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है, जिससे कि आप इजिली अपने फ़ोटो को जो है और भी अच्छा और ग्लॉसी लुक दे सकते हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार के हैं ये फीचर। स्किन टोन आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बात करें तो यहाँ पे ड्रॉ करके जो है मास्क इस पर जो है बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए आप इसमें जो है स्क्वायर फिट भी कर सकते हैं गाइस, जिससे स्क्वायर में आपकी फ़ोटो आएगी और आपका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर होगा, आपकी फ़ोटो का ही ब्लर होगा। तो गाइस इस तरह की कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे बेसिक सी है एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिक तो मैं इसे नहीं कह सकता, बहुत ही कमाल की एडिटिंग है ये सारी चीज़ें। सो गाइस जो कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। और गाइस इसे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे जो है ईजिली एडिट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस सारा इंटरफेस बिल्कुल ही आसान है, जो चीज़ें हैं वो सामने है। और गाइस यहाँ पर सेव कर सकते हैं गाइस, फिर आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉलेज का ऑप्शन, मिरर का ऑप्शन। से गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए मिरर इफेक्ट में भी आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, दो मिरर ही नहीं यहाँ पे आप देख लीजिए 4 मिरर भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और भी ऐसे टाइप के जो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मिरर इफेक्ट में। सो गाइस आपको जैसा भी पसंद आता है आप उसे लगा करके अपने फोटो को जो है और भी ऑसम बना सकते हैं। और गाइस यहाँ पे सॉफ्ट फोकस की बात करें तो यहाँ पे जो है आप किसी भी चीज़ पे जो है फोकस कर सकते हैं। सो गाइस आपको जहाँ पर फोकस करना है वहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। और गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए
जहाँ पे हमने ड्रैग किया था वो फोकस हो गया है, और जहाँ पे ड्रैग नहीं किया था वो ब्लर हो गया। सो गाइज यहाँ पे जो आपको जो ऑब्जेक्ट है उस पर कलर करना है, आपको मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया था। सो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं अपने फेस को जो कर रहा हूँ फोकस, मीन्स उसे कलर कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे मैं क्विकली कर रहा हूँ, इस वजह से प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहा। सो गाइज अब आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो गया था और मेरा फेस जो है फोकस हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, मिल जाती है आपको। और गाइज यहाँ पर जो आप यहाँ पर बहुत सारे कलर इफेक्ट लगा सकते हो। और गाइज इन सारे इफेक्ट्स को जो है आपको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करना पड़ेगा, ओवरले के तौर पर आप यहाँ पे इन सारे इफेक्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ऐड करना है बस आपको वहाँ पे कलर कर देना है। और गाइज यहाँ पे और भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने फेस पे कलर कर दिया और फिर यहाँ पे एक इफेक्ट लगा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका फेस फोकस हो गया और वो जो है इफेक्ट भी जो है यहाँ पर इजी वे में लग गया। और फैंटेसी की बात करें तो गाइज यहाँ पे भी आप फैंटेसी भी ला सकते हैं अपने फेस पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, फेस आ गया और गाइज बैकग्राउंड जो है वो अलग ही कलर में आ गया और आपका फेस जो है वो फोकस होने लगा। और गाइज डबल एक्सपोजर भी जो है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह के बहुत सारे कमाल के फीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर है, डबल एक्सपोजर टाइप जैसी चीज़ें। और भी यहाँ पे अगर आप बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कलर स्प्लैश। सो गाइज यहाँ पे कलर स्प्लैश भी आप यहाँ पे अपने फेस फोटोज़ के साथ कर सकते हैं। गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैंने कलर किया वो बिल्कुल कलर में था और बाकी सारा जो है बैकग्राउंड टाइप का हो गया था। गाइज कुछ इस तरह के कलर स्प्लैश भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जहाँ भी आपको करना है वहाँ भी बस आपको कर देना है कलर, और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। और गाइज बात करें तो ड्यू टोन, सो गाइज यहाँ पे आप ड्यू टोन भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कलर में ड्यू टोन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ग्लिच भी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स, ग्लिच फिल्टर भी मिल जाते हैं आपको बहुत सारे। जो भी आपको अच्छा लगे, पसंद आए, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और गाइज पोस्टर्स की बात करें तो गाइज आप यहाँ पे पोस्टर भी बना सकते हैं। पोस्टर टाइप की इमेजेस भी जो है आप यहाँ पे इस एडिटर से बना सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, बस फिल्टर सेलेक्ट करना है और बस आपकी फ़ोटो बन गई। गाइज अगर आप अपने फोटो को स्पीड इफेक्ट देना चाहते हैं तो गाइज वो भी आप यहाँ पे इसे इजीली इसे दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पीड इफेक्ट भी आपको बहुत सारी इमेजेस पे देखने को मिलता होगा। जैसे कोई भाग रहा होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। और गाइज यहाँ पे डिस्पर्शन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और गाइज और बात करें तो फायर की, तो गाइज यहाँ पर बस इजी सा काम है। जहाँ पर आपको कुछ भी करना है वहाँ पे बस आपको कर देना है कलर, और गाइज वहाँ पे जो वो इफेक्ट है इजीली आ जाएगा। लास्टली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मास्क। अब अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी मास्क भी अपने वीडियो के, अपनी इमेज के बैकग्राउंड में जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, और वो भी किसी भी शेप में। सो गाइज उस प्रकार की थी हमारी ये वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।